यस, वेरी गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मिस किया हमको, एक ही दिन तो हुआ था अभी तक, है कि नहीं? चले तो यस यस यस, वेरी गुड इवनिंग। आपने सेल्फ स्टडी मारी क्या थोड़ी बहुत कि नहीं? सिद्धार्थ के लाइट आ गई है भाई, बधाई हो। है ना, सिद्धार्थ के लाइट आ गई है, सबसे पहले तो बधाई हो। 2 दिन कहाँ, 2 दिन? अच्छा हाँ, सैटरडे भी तो नहीं थे, भूल गया मैं। मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की शशांक रहा, क्यों भाई? शादी में गया नहीं था, जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए, बहुत बढ़िया। चले फिर करेंगे शुरुआत, है ना? देखिए, सो हम लोग कर रहे थे आपका ये फाइनेंशियल अफेयर्स, जिसमें आरबीआई वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर मेगा बैंक मर्जर, कौन कौन से बैंक आपके मर्ज हुए थे, हमने ये भी देख लिए थे, है ना? कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम क्या था, देन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इनको हमने बैन किया था। SBI वाला हमको पढ़ना नहीं था, एंड PMC बैंक ऑपरेशन मुझे यहाँ से आपको पढ़ाना है, करेक्ट? एंड इसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो है ना, बस आप समझिए कि एक दो पेजेस का ही आपका चैप्टर बचा हुआ है, एंड इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज। अनुराग, नवंबर बैच? ओह हाँ, वाल्मीकि जी, हाँ आपका नाम याद आ रहा है मेरे को, सरनेम से याद आ रहा है। चलिए करें स्टार्ट, है ना? यस, तो आपके, है ना, आपके जो भाई हैं और आपकी सहेलियाँ जो है वो कम क्यों होते जा रहे हैं, है ना? कुछ कम दिख रहे हैं आज तादाद में। पर्पल दिख रहा है क्या आपको आज? नहीं यार, पर्पल नहीं है वैसे, बट ठीक है, अभी ट्राई कर सकते। चलिए करें शुरुआत। देखिए, तो मैं आपको एक बार क्विकली रिकॉल करवा देता हूँ, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आज आपको टैक्स का भी, है ना, मुद्दा रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, है ना? कैलकुलेशन इसलिए कि आपको चीज़ें दिमाग में बैठे, ठीक है? अगर आपको एग्जाम में पूछा भी तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रेट से पूछेगा, कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाऊंगा ताकि वो चीज़ परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाए, परफेक्ट, है ना? यस, चलिए सुनेगा। तो यहाँ पर पहले हमने जो लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था वो आपके, हमने सबसे पहले मेगा बैंक मर्जर पढ़ा था, है ना? कौन कौन से बैंक का हमने मर्जर किया था। तो यहाँ पर टोटल 4 बैंक थे, है ना, जो मेन बैंक थे, इनके साथ बाकी 6 आके मर्ज हुए थे। जैसे पहला वाला आपको बोला था पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब में क्या हुआ था बताइए भाई, पंजाब में क्या हुआ था? अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली पहली बार आए हैं, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहली पहली क्लास क्लास है, आज पहला पहला लेक्चर है ना, आकांक्षा है ना, और है ना, विभा, यस, श्वेता, ओके। तो काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया था, इसके 2-3 ही सेशन है, ज़्यादा नहीं है, एंड जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपडेटेड भी है ना, अपलोडेड भी हैं, तो आपको अगर वहाँ से देखना है तो आप एक बार देख लें, है ना? आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट सेशन जो लूँगा मैं नेक्स्ट वीक में लूँगा, ठीक है? इस वीक में अपना कोई सेशन नहीं है, ठीक है? मैं अभी बाहर रहूँगा ये हफ्ते में, तो हम नेक्स्ट वाले मंडे को मिलेंगे, तो आप न्यू चैप्टर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? जिन जिन का पहला दिन है मैं उनको बता दूँ कि इसके 2-3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? नया वाला जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंडे से होगा, तब मैं आपको वापस से एक बार मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, ओके? है ना, सुरेश कह रहे हैं मैं भी नहीं आऊँ, बहुत बढ़िया। अनुराग कह रहा है मैं तो पास हो गया हूँ तब भी देखने आया हूँ, एग्जीक्यूटिव चालू नहीं हुआ ना अभी, इसलिए ना बहुत फुर्सत मिल रही है। चलिए सुनेगा, तो यहाँ पर है ना पंजाब में क्या हो रहा था, पंजाब में आंटियाँ यूनाइट हो रही थी। पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो रहा था, पंजाब नेशनल बैंक में आंटियाँ जो है ना, आंटियाँ मतलब ओरिएंटल बैंक, एंड यूनाइट हो रहे थे मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट? ये पहला वाला मुद्दा था। नेक्स्ट आपको दिया गया था क्या, कैनरा बैंक, नेक्स्ट आपको इसमें दिया था कैनरा बैंक, तो कैन कैट करके हमने याद किया था, है ना? लेक्चर्स आपने देख लिए पहले वाले, बहुत बढ़िया, आपने कैन कैट याद किया था, कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक आके मर्ज हो जाता है, करेक्ट? नेक्स्ट आपको था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन के साथ आंध्रा ने कॉरपोरेट किया था, यूनियन बैंक के साथ आंध्रा ने कॉरपोरेट किया था, करेक्ट? तो ये तीसरा वाला हो गया। चौथा वाला था आपका इंडियन बैंक, तो इंडिया के साथ, है ना, अल्लाह ने आके यहाँ पर क्या किया था, है ना, मर्जर किया था, तो इलाहाबाद बैंक एंड इंडियन बैंक ये दोनों क्या हो गए थे, है ना, ये दोनों क्या हो गए थे, ये दोनों क्या हो गए थे, ये भी आपके हो गए थे आके, है ना, मर्ज। निशा कह रही है CA फाउंडेशन के लेक्चर लिंक सेंड कर दोगे, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था अभी, वापस कर देना 8:30-9 बजे। निशा अपना पूरा नाम लिखना, है ना, और मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर आपको ये भी क्लियर है, ओके? उसके आगे ना यहाँ पर चल रहे पॉइंट से, देन नेक्स्ट आपको बोला था रिविजन इन नॉर्म्स फॉर कॉन्करेंट सिस्टम, है ना, ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हम लोग बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट करवाएंगे। कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब होता है कि भाई बार बार बैंक में जाके चेक करना,
तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5-6 पॉइंट्स थे और यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस थे, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर आरबीआई ने रिकमेंडेशन दिया था कि बैंक का जो कॉन्करेंट ऑडिट होता है ना, उसका ड्यूरेशन कम होना चाहिए, मतलब बार 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 चेक होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। देन हमने इनको एक ऑप्शन दिया था कि आप किससे कॉन्करेंट ऑडिट करवा सकते हो, तो अगर आपको खुद के स्टाफ से करवाना है तो भी चलेगा, अगर आपको अपने एक्स एम्प्लॉय से करवाना है, रिटायर्ड एम्प्लॉय से करवाना है तो भी चलेगा, या फिर आप कोई बाहर के भी ऑडिटर्स ला सकते हो तो भी चलेगा। परफेक्ट, तो आप किसी भी ऑडिट करवा सकते हो, ये वाला ऑप्शन इनको दे के रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर बोला था कि जो इंटरनल ऑडिट का हेड होता है ना, उसको ये उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए ये डिसाइड करने में कि कॉन्करेंट ऑडिट कौन करेगा, फिर उसको ये भी देखना चाहिए कि भाई क्वालिटी रिव्यू कैसे होगा, करेक्ट। देन उसको ये भी देखना है कि है ना, पॉलिसी भी फिक्स करनी है कि कल जाके अगर कुछ घपला मिलता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो इन सभी केसेस में है ना, कुछ घपला हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इन सभी केसेस में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करनी है, ये भी इनका काम है ना चेक करना। एंड एक ऑडिट कमेटी बोर्ड होती है जिसमें क्वार्टरली रिव्यू होता है, हर 3-3 महीने में रिव्यू किया जाता है कि जो काम किया है प्रॉपरली किया कि नहीं किया, तो ऑडिट कमेटी बोर्ड के सामने रखा जाता है, तो ये भी काम किसका है, तो इन्हीं का है ना, इनको चेक करना, मतलब इंटरनल ऑडिट का जो हेड रहेगा उसको ये सब काम करने थे। तो टोटल यहाँ पर 6 पॉइंट्स आए थे, परफेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया था अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को बैन करना, तो यहाँ पर हमने देखा था कि भाई है ना, मुझ जैसे कुछ जो है ना, भोले भाले लोग जो हैं उनको आप जैसे लोग फंसा लेते हैं ना, जो बहुत ही चालाक लोग हैं, तो मुझसे पैसा वैसा लेके आप भाग जाते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने यहाँ पर जो एक कानून बनाया था, कौन सा वाला, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, परफेक्ट। इसके कारण हमको और कहाँ कहाँ पर चेंज करना पड़ा था, तो आरबीआई एक्ट में, सेबी एक्ट में एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। तो इसको चेंज लाने के लिए हमने कहाँ कहाँ पर और चेंज किया था, तो आपका आरबीआई एक्ट है ना, आपका आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, परफेक्ट है, क्लियर है। देन मैंने आपको कहा था कि भाई एसबीआई वाले ही आपको पढ़ना नहीं है ना, एसबीआई के चार्जेस ये पूछेगा नहीं आपसे। देन आरबीआई रिस्ट्रिक्ट्स पीएमसी बैंक्स ऑपरेशंस, तो वैसे तो ये भी बहुत पुराना है, ये वाला जो मुद्दा है ना, ये भी काफ़ी पुराना है, तो ये पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि कब का है, 23 सितंबर 2019, ये मुद्दा कब का है, 23 सितंबर 2019 का है, ठीक है। तो अब हम ये नया वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, अभी तक जिन्होंने भी लास्ट वाले सेशन में अटेंड किया था उनको है ना दिमाग में बैठी बातें बताइए, परफेक्ट है ना, इजी है ना, देखो ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है ना, मैं आपसे पहले ही कह दूँ इस वाले सब्जेक्ट में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अभी टैक्स के बारे में, क्योंकि आपको कैलकुलेशन दिए गए, ठीक है। बाकी जैसे आप लॉ वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, कुछ तो प्रोविजन रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है ना, रट्टा मारना है सिंपल, ओके। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट आपको दिया गया है, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया था पीएमसी का है ना बैंक ऑपरेशन, तो यहाँ पर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, कौन सा बैंक था, पंजाब एंड महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक, जहां पर कैश का बहुत क्रंच हो गया था ना, पैसे की बहुत ही कमी हो गई थी, तो यहां पर आरबीआई ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था कि भाई लोग जो है यहां से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, और निकाल भी पाएंगे तो मैक्सिमम जो इनको लिमिट दी थी वो 1,000 रुपये की दी थी है ना, पहले 1,000 दी, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया था इन्होंने, और 6 महीने तक के रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर चले थे है ना। बैंक का नाम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पर दिक्कत जा रही थी, तो बैंक का नाम एक आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ध्यान रखना है कि भाई कितने टाइम तक रिस्ट्रिक्शन था, तो 6 महीने तक रिस्ट्रिक्शन था, एंड थर्ड वाला पॉइंट, पैसा निकालने की लिमिट कितनी अलाउड थी, तो मैक्सिमम 1,000 रुपये है ना, यहाँ पर जो बैंक के होल्डर्स से, अकाउंट होल्डर्स से, उनको बोला था कि मैक्सिमम 1,000 रुपये आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, परफेक्ट। यहाँ तक तो जितना मैंने हाईलाइट किया ना, आपको उतना ही हाईलाइट करना है अपने पास भी। तो यहाँ पर तीन ही आपके जो पॉइंट्स बनते हैं, बैंक का नाम, 6 महीने का ड्यूरेशन, एंड तीसरा वाला क्या, मैक्सिमम 1,000 रुपये आपको निकालने की यहाँ पर आपको लिमिट प्रोवाइड की थी, परफेक्ट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोला है आईसीआईसीआई बैंक टू ओपन 450 न्यू ब्रांचेस, तो ये भी वैसे बहुत पुराना मुद्दा है, बट अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख लो कि आईसीआईसीआई के वेबसाइट के हिसाब से उनकी टोटल ब्रांचेस जो इंडिया में है वो है 5288। अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख लीजिए, अगर आपको लिखना ही है तो लिख लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक की अभी जो करेंट टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है उनकी वेबसाइट के हिसाब से, दैट इज 5288, ठीक है। तो 450 न्यू ब्रांचेस ही ओपन करने वाले थे, ये तो 2020 की बात होगी वैसे, तो उतना पुराना आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन भूले भटके अगर पूछ लिया नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो अभी करेंटली जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो है 5288, करेक्ट। चल अब इसके बाद आपको दिया गया था करेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स, तो यहाँ पर है ना
ना, करेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स में सबसे पहले आपको दिया गया है डाइवेस्टमेंट इन एलआईसी। तो एलआईसी का ये लोग निकालने वाले हैं आईपीओ, ये क्या करने वाले हैं, एलआईसी का निकालने वाले हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको आईपीओ का मतलब पता है क्या होता है, बताइए। अरे इतना शेयर मार्केट तो भाई अभी ऊपर नीचे चल ही रहा है, तो थोड़ा बहुत तो आपने देखा ही होगा। बताइए आईपीओ का मतलब क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता क्या, बट फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं। यस, मॉड्यूल में कौन से टॉपिक में एमसीक्यू आते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, उन्नति ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना। प्रियांशी, उन्नति, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यस। तो फर्स्ट टाइम शेयर लाना है ना प्राइमरी मार्केट में, उसको आप कहते हैं आईपीओ। अभी कौन कौन से बड़े बड़े आईपीओ आए हैं बताइए, अभी कौन कौन से बड़े बड़े आईपीओ आए हैं बताइए, कौन कौन सी कंपनीज के आपको नाम पता है। नायका, बहुत बढ़िया, हाँ आकांक्षा कह रही है नायका, पेटीएम, नायका, जोमेटो, बहुत बढ़िया, ये सब क्या नामी हैं, मतलब आपको पता है जो, है ना, बहुत बढ़िया। टाटा मोटर्स का क्या बात कर, टाटा मोटर्स का भी आया क्या, दिव्यानी का, दिव्यानी का तो टाइम हो गया है, रिसेंट एकदम रिसेंट, शशांक करे, रिलायंस, कौन से जमाने में जी रहे भाई। उबर का, उबर का आईपीओ कहाँ है, हमको तो नहीं मिला। उबर का आईपीओ कहाँ है, स्विगी का भी कहाँ है ना। चले सुनेगा, तो आईपीओ मतलब क्या होता है ना, जैसे आपने सही कहा एकदम, कि कंपनी जब पहली पहली बार है ना मार्केट में उतरती है तो उसको आप कहते हैं आईपीओ। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है, बेसिकली पहले क्या होता है कि आपकी कंपनी दो टाइप की होती है ब्रॉडली, एक आपकी होती है प्राइवेट कंपनी और एक आपकी होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपकी दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी, करेक्ट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ना शशांक, कोमल एंड सिद्धार्थ, सपोज ये तीन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ठीक है, शशांक, कोमल एंड सिद्धार्थ, तो एस के एस लिमिटेड के नाम से इन्होंने एक कंपनी बनाई और इसमें तीन ही लोग हैं। ये बाहर वालों से पैसा नहीं लेते हैं, ये अपना ही पैसा डालते हैं और अपनी कंपनी चलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी, करेक्ट। लेकिन अगर इनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, इनको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में एंड फिर उसको मार्केट में जाके लिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, लिस्ट करवा सकते हैं मतलब क्या होता है, लिस्ट करवाने का मतलब क्या होता है कि अब ये बाहर वालों को भी शेयर होल्डर बनाएंगे। लिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि पहले तो अभी ये तीन ही शेयर होल्डर थे ना, एस के एस, तीन ही लोग थे, अब ये इसको कंपनी को लिस्ट करवाएंगे। लिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि अब ये बाहर वालों को भी शेयर होल्डर बनाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, अभी मैंने जब जोमेटो के लिए अप्लाई किया था तो मुझे जोमेटो का आईपीओ मिला था, है ना, जोमेटो जोमेटो का आईपीओ मुझे मिला था, मतलब शेयर्स हैं अभी भी मेरे पास हैं। तो पहले जोमेटो समझो कि 10-15-20 लोग चलाते होंगे, ठीक है, लेकिन जब उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं शेयर्स पहली पहली बार, है ना, पहली पहली बार बाहर वालों को भी हम शेयर पैसे ले रहे हैं उनसे और उनको हम शेयर्स दे रहे हैं, तो अब मैं भी जोमेटो का क्या हूँ, मैं भी जोमेटो का शेयर होल्डर हूँ। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब सिंपली क्या होता है कि आप कंपनी के शेयर जो हैं वो लोगों में इशू करते हैं एंड लोगों से पैसा लेते हैं। मैंने स्टार हेल्थ का आ चुका है या आने वाला है देखना पड़ेगा, है ना, कॉल फॉर पब्लिक ऑफरिंग्स, ये तो आपने देखो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, है ना, आपने जो शेयर वाला जो है चैप्टर किया ही होगा, करेक्ट, है ना, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये वो, है ना, फलाना ढिमका, तो ये सब चीज़ें। तो ये होता है कंपनी को लिस्ट करवाना। तो अभी नायका ने भी अभी अभी लिस्ट करवाया था, उसमें बम्पर प्रॉफिट हुआ था, है ना, लेटेंट व्यू जो है वो भी अभी अभी आया था लेटेंट व्यू करके, वो भी उसमें बम्पर प्रॉफिट था, करेक्ट। चले तो यहाँ पर है ना ये कह रहे हैं कि LIC का भी IPO आएगा एंड LIC का IPO कह रहे हैं कि सबसे बड़ा IPO रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अभी भी किसका है, सरकार का है ना, पूरा का पूरा सरकार चलाती है, लेकिन इसका भी IPO आने वाले हैं, मतलब आप भी चाहे तो LIC के शेयर होल्डर बन सकते हो। अब सरकार ने पहले कहा था 2020-21 में आएगा, तो नहीं आया, 21-22 में कहा था, मतलब करेंट ईयर में आना चाहिए था, तो अभी भी ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कब आने वाला है ये अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। परफेक्ट, क्लियर है ना। चले शेयर को सिंपल वे में कैसे बताएंगे, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो आप लिखिए अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एकदम सिंपल वर्ड, है ना। शेयर क्या होता है, सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, ऐसा ही है। शेयर क्या होता है, तो कंपनी के पास समझिए 10 करोड़ है, कंपनी के पास सपोज 10 करोड़ है,
तो इसको आप कहते हैं है ना शेयर कैपिटल। किसी कंपनी के पास अगर 10 करोड़ है तो उसको आप कहते हैं शेयर कैपिटल। तो 10 करोड़ में से सपोज आपने 50 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए, है ना, आपने क्या किया 50 लाख के शेयर्स ले लिए। सो है ना अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जो टोटल पैसा है उसमें से कुछ हिस्सा आपका है, मतलब आप ही ने दिया हुआ है ना। जोमेटो है ना चल रहा है तो उसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है ना। आप जो जोमेटो से अगर खाना वाना मंगाते हैं तो उसमें ध्यान रखना ना, मैं भी मालिक हूँ थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जोमेटो का मैं भी मालिक हूँ है ना, रिलायंस का मैं भी थोड़ा सा मालिक हूँ ना, टाटा मोटर्स का भी हूँ। तो ये सब अपने लिए काम करते हैं है ना, हमको ये जवाब देते हैं कि भाई कंपनी कैसी चल रही है, क्या कब चल रही है वगैरह वगैरह वगैरह। ओके चलिए अब देखिए आगे है ना, आप देखिए आगे। तो मैं आपको बता रहा था कि LIC का यहाँ पर IPO आने वाला है, तो बहुत पुराना अनाउंसमेंट उन्होंने किया लेकिन अभी तक आने की ना हमको कुछ संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अगर पूछेगा वैसे नहीं क्योंकि अभी तक डेट ही डिसाइडेड नहीं है, तो कैसे पूछेगा आपसे। है ना, चलिए देखिए अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट का आपको दिया हुआ है टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही लिमिटेड चीज़ें काम की हैं है ना अगले 2 पेजेस में, क्योंकि चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी हैं। लेकिन उसमें से भी अभी अभी जो काम का है, मतलब अभी भी चल रहा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देना, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें। देखिए सबसे पहले आपको बोला है टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इनको बोला है टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए तो इन्होंने बोला है, पहले मैं एक बार वर्डिंग्स पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या है। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स बाय द सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर, तो उनको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा ना रिगार्डिंग द इंटरेस्ट डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। लेकिन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में आके क्या करना है, इन्वेस्ट करना है ना। कब तक करना है, 31 मार्च 2024 तक करना है विद अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो इनको आके इंडिया में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कब तक करना है ना, 31 मार्च 2024 तक। एंड उसमें भी इनके पास लॉक इन पीरियड है कितने का, 3 साल का। अब ये चीजें क्या है अगर आप लिखना चाहें तो है ना इसमें लिख लें, मैं आपको बताता हूँ सुनेगा। अब बेसिकली क्या होता है कि कई बार फॉरेन गवर्नमेंट्स है ना जो बाहर की सरकारें हैं ये भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंडियन जो गवर्नमेंट होती है ये भी इन्वेस्टमेंट करती है, एंड फॉरेन की जो गवर्नमेंट होती है ये भी इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, अब फॉरेन के पास है ना, फॉरेन गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो इनको लग रहा है कि अब हम कहाँ जाके इन्वेस्ट करें। तो ये कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगापुर में करें, चाइना में करें, इंडिया में करें, कहीं पर भी करें। तो हम चाहते हैं कि बाहर से पैसा इंडिया में आए, चाहते हैं कि नहीं बताओ। हम चाहते हैं ना कि भाई फिरंगी जो हैं वो इंडिया में आके क्या करें, इंडिया में के इन्वेस्टमेंट करें। तो उनको लुभाना तो पड़ेगा है ना, उनको लुभाना तो पड़ेगा, कुछ तो उनको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो ही तो आएंगे। करेक्ट, इट इज़ लाइक कि भाई आपके पास बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, एक मार्केट में गए बहुत सारी दुकानें, लेकिन आप किसके पास जाएंगे, तो डिस्काउंट अच्छा देगा जिसके पास क्वालिटी अच्छी होगी। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी सरकार क्या करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम अलग अलग तरीके की स्कीम्स लाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है सुनना, इन्होंने कहा है कि फॉरेन गवर्नमेंट आके अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है, अगर फॉरेन सरकारें इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन इन्वेस्ट कब तक करना है, इन्वेस्ट कब तक करना है, कब तक का यहाँ पर इनको टाइम लिमिट देकर रखा है। जैसे आपका ये समझो मिंत्रा अमेजोन वगैरह पर सेल आता है ना, मिंत्रा अमेजोन वगैरह पर आपका सेल आता है ना कि भाई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हमने इनको एक टाइम लिमिट देकर रखी है। वेरी गुड, सो दे हैव टू इन्वेस्ट अप टू 31 मार्च 2024, मतलब जब तक बीजेपी की सरकार है। क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होने वाला है, देखो इलेक्शंस होने वाले हैं, मैंने नए प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। ठीक है, 2024 के बाद नए प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं और हो सकता है कि बीजेपी ही कंटिन्यू हो। परफेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर टाइम लिमिट कितना रखा है, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तब तक का रखा है, 31 मार्च 2024 तक ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आके इंडिया में इन्वेस्ट करना है। परफेक्ट, तो ये किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये शेयर्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डिबेंचर्स वगैरह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडिया में आके शेयर्स वगैरह भी खरीद सकते हैं एंड डिबेंचर्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कंपनी के खरीदने हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देती है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ऐसी कंपनीज में इनको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी जो इंडिया में है वो है LNT, लार्सन एंड ट्यूब्रो, सुना होगा आपने।
फुल फॉर्म हो सकता है सुनाओ ना सुनाओ, लेकिन L&T कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, है ना। L&T के बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है। ठीक है, जैसे जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज मतलब ना जो बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह वगैरह बना रही हैं। परफेक्ट। तो हमने इनको क्या बोला है, ध्यान सुनना, हमने बोला है कि भाई बाहर की जो सरकारें रहेगी ये इंडिया में अगर आके इन्वेस्ट करते हैं, कब तक इन्वेस्ट करना है, 31 मार्च 2024 तक, तो इनको हम शेयर्स देंगे, डिवेंचर्स मतलब इनको खरीदना है, एंड कौन सी वाली कंपनी खरीदना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है उन्हीं के खरीदना है। बाकियों के खरीदा तो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी का खरीदा तो ही इनको बेनिफिट मिलेगा। परफेक्ट है, ये भी क्लियर है। चले, अब हमने क्या बोला है कि इन्होंने जो शेयर्स वगैरह खरीदे हैं ना, इस पर ना लॉक इन है, इस पर ना लॉक इन है, लॉक इन है 3 साल का, इस पर ना लॉक इन है, और लॉक इन है 3 साल का। अब लॉक इन का मतलब क्या होगा, अब लॉक इन का मतलब क्या होगा बताइए, आपके हिसाब से लॉक इन का मतलब क्या होता है। देखिए, लॉक इन का मतलब है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप 3 साल तक इसको बेचोगे नहीं। लॉक इन का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको 3 साल तक बेचना नहीं है ना। वो होता है लॉक इन पीरियड, मतलब ये आपके पास आपकी तिजोरी में रहने चाहिए सेफ। अगर आपको यहाँ पर एक फायदा चाहिए जो अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आपको इंडिया में आके इन्वेस्ट करना है 31 मार्च 2024 या उसके पहले पहले इन्वेस्ट करना है। ठीक है, 31 मार्च 2024 या उसके पहले पहले आपको इन्वेस्ट करना है, एंड जो भी आपने शेयर्स खरीदे हैं या डिबेंचर्स खरीदे हैं उसके ऊपर लॉक इन पीरियड है 3 साल का। तो अगले 3 साल तक आप इसको बेचोगे नहीं। आप जब भी खरीदो, 31 मार्च 2024 तक आप जब भी खरीदो, खरीदने के बाद आप 3 साल तक उसको बेचोगे नहीं। तो इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर आपने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको ना अलग अलग तरीके के अमाउंट आ सकते हैं। अगर आप शेयर से डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कंपनी से मिल सकता है डिविडेंड, या फिर आपको डिबेंचर्स वगैरह पे मिल सकता है इंटरेस्ट, या फिर अगर आपने इन चीजों को सेल किया ना, तो सेल करने के बाद आपको हो सकता है प्रॉफिट। हो सकता है कि भाई 3 साल के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, 3 साल के बाद आप क्या करेंगे, इसको बेच भी रहे हो तो बेचने के बाद हो सकता है प्रॉफिट हो, एंड प्रॉफिट जो होता है उसको हम नाम देते हैं कैपिटल गेन्स। ये शेयर्स वगैरह बेच के जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट का नाम क्या है, उस प्रॉफिट का नाम है कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स सिंपली मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, जब भी हम किसी कैपिटल एसेट को बेचते हैं, तो हमारे पास आता है कैपिटल गेन्स। जब भी हम किसी कैपिटल एसेट को बेचते हैं, तो हमारे पास आता है कैपिटल गेन्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने ये शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है, तो ये डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड जो भी कैपिटल गेन्स है ना, ये होगा टैक्स फ्री। आपको इन पर कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और टैक्स फ्री का दूसरा नाम होता है एग्जेम्प्ट। टैक्स फ्री को अगर आपको दूसरा नाम देना है, तो ये होता है एग्जेम्प्ट। समझ आया क्या? देखिए, हम क्या करते हैं, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं? आप अगर ऐसा सोचो कि भाई अगर आपको वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदना है 11-12 रुपए का, तो आप क्यों खरीदोगे, उसका कारण क्या है? अगर आप ऐसे फ्यूचर में सोचते हो, सोचते भी हो कि शेयर्स में हमको खरीदना है, तो क्यों खरीदोगे? आपको मालिक बनना है, इसलिए। क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, रिलायंस का एक शेयर भी खरीद लो तो भी मालिक बन जाओगे, लेकिन क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, शेयर खरीदने के दो मेन कारण होते हैं कि शेयर आज मैं 100 में खरीदूंगा, कल 500 में हो जाए तो, है ना, मैं 100 में खरीदूंगा, कल 1000 रुपये हो जाए तो एक तो शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, हम इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि अब वो कंपनी हमारी है थोड़ी सी, तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, तो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा हमको भी तो मिलना चाहिए। कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, मैं तो शेयर होल्डर हूँ ना कंपनी का, अभी कल जाके अगर जोमेटो शेयर कमा, है ना, जोमेटो को अगर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा मुझे भी तो मिलना चाहिए, है ना। मैंने मैंने भी तो शेयर खरीदे हैं, और मैं भी तो ओनर हूँ कंपनी का, तो उस प्रॉफिट को आप नाम देते हैं डिविडेंड। पता है ना आपको ये, है ना, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, सबको पता है ना।
कंपनी के प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा जो आपको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो आपको कंपनी वगैरह से डिविडेंड आता है, या फिर अगर आप डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से आपको ब्याज आता है, उसमें से आपको इंटरेस्ट आता है। तो आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। और अगर आपने इन शेयर्स या डिबेंचर्स को मार्केट में जाके बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ तो उसको आप नाम देते हैं कैपिटल गेन्स, है ना। उसको आप नाम क्या देते हैं, उसको आप नाम देते हैं कैपिटल गेन्स। तो आपको जो कैपिटल गेन्स होता है ये भी आपके हाथ में होता है पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट। ये जो आपका कैपिटल गेन्स है ये भी आपके हाथ में है, होता है पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट। ठीक है, समझ आए बताइए, है ना। तो सुनिए, तो हमने इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या बोला, है ना। देखिएगा, हमने इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या बोला, हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोला कि अगर भाई आप इंडिया में आते हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप या मैं अगर इंडिया में पैसा कमाते हैं ना तो हमको 20% 30% वगैरह का टैक्स देना पड़ता है ना। 5% होता है, फिर 20% होता है, फिर 30% होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 लाख वगैरह कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो रफली समझो 4-5 लाख रुपये आपका जो है टैक्स में चला जाएगा। तो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं कि हम देखो इंडिया वालों से तो टैक्स ले रहे हैं लेकिन आप हमारे मेहमान हो, आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो, तो आप इंडिया में आओ, इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करो। कब तक करना है, 31 मार्च 2024 तक करना है। आपके ऊपर लॉक इन पीरियड भी रहेगा, कितने का, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, है ना। 31 मार्च 2024, पारस 2024, तो आपके पास 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। 3 साल तक आप ये शेयर डिवेंचर बेचेंगे नहीं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी आपको यहाँ पर डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कैपिटल गेन्स आ रहा है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को होता है पूरा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स फ्री, इनको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि बताइए, हाँ ना। यस, किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में डिफरेंस बता दो, है ना। तो यहां तक अभी कोई दिक्कत जो मैंने समझाया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, चल बढ़िया। सुनिए, तो ये आपको दिया गया फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में, इनको आके इन्वेस्ट करना था कब तक, 31 मार्च 2024 तक। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिया गया अबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसको भी आप लिख लें, इसको भी आप लिख लें, आप हेडिंग डालिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आप लिखिएगा यहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसको हम कहते हैं डीडीटी, इसको हम प्यार से कहते हैं डीडीटी। दिस इज योर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये अब नहीं है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना अब नहीं है, ये पहले हुआ करता था। लेकिन 1/4/2020 से इसको हमने अबॉलिश कर दिया है। अबॉलिश कर दिया मतलब हमने इसको अब रिमूव कर दिया है, इसको हटा दिया है, ठीक है। किसी जमाने में हुआ करता था लेकिन अब जो है आपका ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। तो वैसे तो आपको यहाँ पर इतना ही बताया है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, है ना। आपको इतना ही बताया है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब नहीं है, बट ये होता क्या है, ठीक है। लेकिन अब ये होता क्या है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, देखिएगा सुनेगा। पहले क्या होता था, है ना, 1/4/2020 के पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी का शेयर खरीदा है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। किसने खरीदा है, सपोज कोमल ने खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर कोमल सिन्हा जो है, तो कोमल सिन्हा ने क्या किया है, यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर खरीदा है। तो इनके पास समझिए है कि 5,000 शेयर, कोमल के पास टोटल 5,000 शेयर है। तो ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ना, कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर क्या किया, कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर क्या किया, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोमल को डिविडेंड दिया ₹80,000 का। कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर क्या किया, कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने डिविडेंड दिया कितने का, ₹80,000 का। विनय कह रहे हैं सर इंदौर कब आओगे, आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, आएंगे, बेचारा लिख के। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है ना, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोमल को कितने कितना डिविडेंड दिया, ₹80,000।
पहले क्या होता था ना, आपको बताता हूँ है ना, बिफोर अमेंडमेंट, मैं आपको एक बार पहले बता रहा हूँ कि भाई बिफोर अमेंडमेंट क्या होता था पुराने ज़माने में। पिछले साल तक क्या होता था कि जो कंपनी है ना, जो कंपनी है ना, कंपनी को ना एक टैक्स देना पड़ता था, कंपनी को ना अपनी जेब से एक टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो कम उसका रेट हुआ करता था 15%, ठीक है, उसका रेट कितना हुआ करता था 15%। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कंपनी ने क्या किया है, 80,000 रुपये का डिविडेंड कोमल को दिया, तो कंपनी को उस पर 15% का डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो भी देना पड़ता था। तो 80,000 का 15% इज हाउ मच, 12,000 रुपये, ठीक है। तो 12,000 रुपये जो है कंपनी क्या करती थी, अपनी जेब में से निकाल के, है ना, अपनी जेब में से निकाल के सरकार को देती थी। ये पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ऐसे हुआ करता था कि कंपनी अपनी जेब में से पैसा निकाल के जो है सरकार को देती थी, ठीक है। एंड कोमल के हाथ में फिर क्या होता था, कोमल के हाथ में ये जो डिविडेंड है ये होता था एग्जेम्प्ट, मतलब जो शेयर होल्डर होता था ना, शेयर होल्डर, उसके हाथ में डिविडेंड होता था एग्जेम्प्ट, मतलब उसको डिविडेंड पर टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। तो पहले टैक्स देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, पहले जो है टैक्स देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, कंपनी के ऊपर थी या शेयर होल्डर के ऊपर, पहले वाले जमाने में। पिछले साल तक सरकार को ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना था, ये किसको देना था, मतलब हु वॉज सपोज टू पे दिस टू दी गवर्नमेंट, कंपनी और दी शेयर होल्डर, तो कंपनी पे करती थी, ठीक है। तो शेयर होल्डर का भी को भी हमने क्या बोला था कि, है ना, वैसे पूरा पॉइंट क्या था, पूरा पॉइंट ये था कि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड अगर मिलता है, तो अगर 10 लाख से भी ज़्यादा मिलता है, तो इनको भी टैक्स देना पड़ता था एट द रेट ऑफ 10%। तो ये पुराना मुद्दा था सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा पुराना मुद्दा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोल के रखा था, पहले क्या होता था कि कंपनी अपनी जेब से टैक्स पे करती थी, और जो शेयर होल्डर जिसको ये पैसा मिला है ना, और जो शेयर होल्डर जिसको ये पैसा मिला है, उसको 10 लाख रुपए तक, उसको 10 लाख रुपए तक कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, और 10 लाख के ऊपर वो टैक्स देते थे एट द रेट ऑफ 10%। मतलब सपोज अगर यहाँ पर कोमल को 11 लाख रुपए मिलते ना, तो 11 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए तक के ऊपर टैक्स नहीं था, ऊपर का जो 1 लाख है उस पर टैक्स देना पड़ता एट द रेट ऑफ 10%, है ना, उसके ऊपर इनको टैक्स देना पड़ता था एट द रेट ऑफ 10%। ये पहले की बात है, ठीक है। अब नहीं होता है, अब क्या होता है ना, अब क्या होता है ना, आफ्टर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट क्या होता है, आफ्टर अमेंडमेंट क्या होता है कि कंपनी जो है उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एंड शेयर होल्डर जो है अब उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। अब नया वाला जो यहां पर फंडा है, अब नया वाला फंडा क्या है कि अब कंपनी के ऊपर हमने कोई भी बर्डन नहीं डाला है, अब कंपनी को किसी भी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी टैक्स पे करेगा वो शेयर होल्डर करेगा। मतलब अगर अब आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलता है ना, सपोज अभी अगर कोमल को डिविडेंड मिला 2,000 रुपये भी मिला, तो कोमल को ही यहाँ पर 2,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी के जेब पर कोई लाइबिलिटी नहीं है ना, कुछ भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी टैक्स देंगे वो कौन देगा, शेयर होल्डर ही देगा, ठीक है, परफेक्ट है ना। अनुनय सिंह, आ रहे क्या मजा, आ रहा है मजा, बैठा ऐसे बढ़िया एंटरटेनमेंट मूवी देख रहा हूँ। चले, क्लियर हुआ क्या सभी को, कितना परसेंटेज टैक्स देना होता है, कोमल पूछ रही है। अब देखो ये डिपेंड करता है ना, टैक्स का भी मेरे को आपको जो है पूरा बताना पड़ेगा, आप लिखो मत सिर्फ सुन लो। अगर आप इनकम कमाते हो ना इंडिया में, तो 0 से 2.5 लैक्स तक आपको निल टैक्स होता है, 0, ठीक है। मोर देन 2.5 लैक्स से 5 लाख तक अगर आप कमा रहे हैं, तो आपके लिए रेट होता है 5%। इसको आप नहीं लिखें चलेगा, सिर्फ सुन लें, नॉलेज के लिए सुन लें। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, 10 लाख तक कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है 20% का, एंड अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है 30% का, ठीक है। जनरली मैं आपको ये आइडिया के लिए बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल CS बनने के बाद है ना, CS बनने के बाद आपकी सैलरी लग गई है ना, जॉब लग गई जिसमें आपको सैलरी मिल रही है 1 लाख पर मंथ, ओके। यहाँ पर CS बनने के बाद जैसे आपकी जॉब लगी एंड आपको सैलरी मिल रही है, समझो कि 1 लाख रुपये पर मंथ,
भाई साल भर का 12 लाख हो गया, है ना, साल भर का 12 लाख हो गया। तो आपके ऊपर हाईएस्ट वाला रेट 30% तक लग सकता है, क्योंकि 10 लाख रुपए से जो ज़्यादा कमाते हैं उनके लिए टैक्स चला जाता है 30% तक। लेकिन सिंपली ऐसा नहीं होता है कि 12 लाख पे 30% लगा दिया, 3,60,000 आ गया, ऐसे नहीं होता है। इसको निकालने का तरीका अलग होता है, जो आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में है काफ़ी डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको टैक्स के रेट बता रहा हूँ, है ना, 5%, 20%, 30% इस प्रकार से होता है। श्वेता कह रही इजी, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, मतलब सीएस जब आप बनोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले, बट 2-4 साल में तो पक्का ही कमा लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी करो, आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, कुछ भी करो, स्टार्टिंग में थोड़ा समझो 2-4 साल का पीरियड रहेगा। लेकिन उसके बाद बड़ी सिटीज़ में अगर आप काम करें तो 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है ना। कल क्लास नहीं है ना, कल से क्लास नहीं है, मतलब मैं ये पूरे वीक नहीं हूँ, है ना, कल बाकी सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का कुछ अमेंडमेंट वगैरह है। ठीक है, फिर मैं आपसे नेक्स्ट मंडे मुलाकात करूंगा नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अभी समझ आया क्या? तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला फंडा जो है ये अब नहीं है, इन शॉर्ट इसका मतलब ये। परफेक्ट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बोला है रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। अब इसमें आपको कुछ टैक्स रेट्स हैं जो कंपनी के ही दिए हुए हैं, तो जो जो अभी अभी काम किया है मैं आपको वही सारे बता रहा हूँ ना। देखिए, तो देखो क्या होता है टैक्स में ना, अलग अलग लोगों के लिए टैक्स रेट अलग अलग होता है। जैसे इंडिविजुअल, जैसे आप और मैं, हमारे लिए टैक्स अलग होता है। हमारे लिए जो टैक्स रेट होता है ना, मैंने आपको अभी जस्ट लिखवाया, ये इंडिविजुअल के लिए होता है। ठीक है, फिर यस, सीए फाउंडेशन के मैं लिंक शेयर करवा दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, एचयूएफ, फैमिली का भी बिजनेस होता है, हो सकता है कि आपके यहाँ पर भी फैमिली बिजनेस हो, तो जब फैमिली इनकम कमाती है तो उनको भी यही टैक्स रेट फॉलो होता है। ठीक है, फिर कंपनी होती है तो कंपनी के लिए टैक्स रेट अलग होता है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए टैक्स का रेट अलग होता है। अब यहाँ पर बेसिकली जो आपको अभी मॉड्यूल में दिया गया है वो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर फोकस है, क्योंकि कंपनीज के नए नए रेट्स आए थे इस वजह से। ओके, तो मैं आपको कंपनीज का यहाँ पर टैक्स रेट आपको लिखवा देता हूँ। ओके, और थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली टैक्स निकालते कैसे हैं। कंपनी का तो एटलीस्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि वहां पर ना कुछ टैक्स रेट्स आपको दिए गए तो वो आपको ऐसे समझेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने आपको रटवा दिया ना तो आपको समझेगा नहीं कि वो 25.17 वगैरह वगैरह कैसे आया। तो आप लिखिए कंपनीज का टैक्स रेट, आप लिखिएगा यहां पर कंपनीज का टैक्स रेट। देखिए अब यहां पर कंपनीज जो है, कंपनी दो तरीके की होती है टैक्स के हिसाब से, है ना, कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्स के हिसाब से कंपनी दो तरीके की होती है। एक आपकी होती है डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, एक आपकी होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक आपकी होती है फॉरेन कंपनी। टैक्स के हिसाब से कंपनी दो तरीके की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। आपने हो सकता है कंपनीज एक्ट में पढ़ रखा हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम टैक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, शुक्रिया उन्होंने। चलिए देखिए, तो कंपनीज यहाँ पर ना, है ना, दो प्रकार की होती है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया की कंपनीज है ना, रिलायंस हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, लार्सन टिब्रो हो गई, ठीक है, आपकी एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गई, एक्साइड की जो आप बैटरीज वगैरह देखते हो गए, तो ये सब किसमें आता है आपका, मैंने ये सब आता है डोमेस्टिक कंपनी में। फॉरेन कंपनी मतलब अमेजोन से आप सामान मंगाते हो गए, है ना, आप नेटफ्लिक्स देखते हो गए, अमेजोन प्राइम पे वीडियोस देखते हो गए, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मेटावर्स हो गया, तो ये क्या है, ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन ये लोग भी क्या कर रहे हैं, इंडिया से पैसा कमा रहे हैं। मुझे बताइए ये इंस्टाग्राम गूगल ये सब पैसा कैसे कमाते हैं, इंस्टाग्राम गूगल वगैरह वगैरह ये सब पैसे कैसे कमाते हैं। यस, उन्होंने सही लिखा आपने, डेटा से पैसा कमाते हैं। कैसे डेटा से, मतलब है ना, आप जो इंस्टा इतना चलाते हैं, आप जो फेसबुक इतना चलाते हैं, डाउनलोड से मुझे तो पैसा नहीं लगता, मैं तो यूट्यूब से फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ, मुझे तो मुझसे तो पैसा नहीं लेते ऐसे, क्यों आपसे कहाँ ले रहे हैं पैसे बताइए। तो कहाँ डाउनलोड का पैसा लगता है ना, पता चला कि कल जाकर उन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करने के 5 रुपये करोगे क्या, कल से अगर ऐसे चालू हो गया कि इंस्टा पे स्टोरी डालने के 2 रुपये, पोस्ट डालने के 5 रुपये, रील डालने के 10 रुपये, तो भाई तुम तो बहिष्कार कर दोगे, है ना, खुद अपना एप्लीकेशन बना लोगे।
चलिए बताइए, डाउनलोड्स कैसे पैसे कमाते हैं? बताइए बताइए भाई, इतना चलाते हो तो वो क्या, वो सेवा थोड़ी कर रहे हैं? अरे इंस्टाग्राम आप इतना 24 24 घंटे चला रहे हो, ठीक है, तो सेवा थोड़ी चल रही है, यूट्यूब फ्री में देख रहे हो, तो पैसा कैसे कमाते हैं? हम तो चलाते नहीं, किशन कह रहा है। कोई बात नहीं, जूम जूम तो चला रहे हो, जूम तो फ्री में चला रहे हो, जूम को तो पैसे नहीं दिया ना आपने। सर ऐप कहाँ मिल सकते हो सर, मतलब सर आप कहाँ मिल सकते हो सर, ऐसे पूछ रहे हो? डेटा सेल करके हमारा, उन्होंने कह रहा हमारा डेटा सेल कर देते हैं, हमारे नंबर, हमारे व्हाट्सएप चैट, हमारे फोटोज सब बेच देते हैं ना, फॉलोअर्स, रील स्टोरी। नहीं, भाई सिंपल मुद्दा है, एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं ये लोग। पैसा कैसे कमाते हैं? एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं, है ना। जैसे आप देखो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन अपन लेते नहीं है। यूट्यूब अपन ने ओपन किया, कोई भी नया वीडियो अपन ने क्लिक किया तो पहले 5 सेकंड का वीडियो आता है, 10 सेकंड का वीडियो आता है ना, है ना, उसके बाद आप उसको स्किप करते हैं तो मेन वीडियो चालू होता है। या फिर जब आप इंस्टा पे किसी को स्टॉक कर रहे होते हो, ठीक है, उसकी स्टोरीज देखो देखो, फिर 2 स्टोरी के बाद एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है, फिर 2 3 स्टोरीज देखो फिर एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है, ठीक है। गूगल पे आप गूगल का पेज ओपन करो या किसी भी वेबसाइट पर जाओ तो आपको पूरे लेफ्ट राइट साइड में एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट दिखती है ना, कुछ पॉपअप आ जाता है, फिर आपको कट करना पड़ता है तो आपकी मेन वेबसाइट खुलती है, करेक्ट है ना। तो ये गूगल, फेसबुक, इंस्टा वगैरह ये एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूनिक अकेडमी को क्या करवाना है, एडवर्टीजमेंट करवानी है। जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो एंड 2 3 वीडियोस के बाद या रील्स के बाद या किसी के बाद भी आपको एडवर्टीजमेंट आती है ना, तो सपोज यूनिक अकेडमी ने एडवर्टीजमेंट करवाई तो यूनिक अकेडमी को पेमेंट करना पड़ेगा। यूनिक अकेडमी विल हैव टू पे टू दी इंस्टाग्राम, मतलब फेसबुक, मतलब मेटावर्स, मैंने इंस्टा किसका है तो आपके मेटावर्स का ही है, मतलब फेसबुक का ही है, करेक्ट है ना। तो हमको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट आपको दिखना चालू होगी। तो इन सभी का मॉडल क्या होता है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ये कैसे काम करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट चाहिए, मैंने इंस्टाग्राम को यूज़र सबसे ज़्यादा चाहिए, है ना, फेसबुक को यूज़र ज़्यादा चाहिए, यूट्यूब को यूज़र ज़्यादा चाहिए। ये न्यूज़ चैनल के जैसे होते हैं, ठीक है, ये सब न्यूज़ चैनल के जैसे होते हैं, जैसे ठीक है न्यूज़ चैनल से जैसे होते हैं, जैसे अपन न्यूज़ चैनल ओपन करते हैं तो हमको तो न्यूज़ फ्री में मिलती है, लेकिन वो न्यूज़ चैनल कैसे पैसा कमा रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट से, है ना, बीच बीच में बाबा रामदेव आ जाते हैं ना, फिर पतंजलि का ऐड चलता है और ये और वो, तो इनका भी सेम ही कहानी है, इनको भी बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा करने एंड फिर ये एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं, ओके। तो ये सपोज ये सब हो गई फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी जो हमसे पैसा ले रहा है, हम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनिक अकेडमी, तो हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो फॉरेन कंपनी जो भी इंडिया से कमाएगी उनके लिए ना टैक्स का रेट होता है 40%। टैक्स का रेट कितना होता है, 40% का, मतलब अगर ये हमसे 100 रुपये ले रहे हैं तो इनको 40 रुपये सरकार को देना पड़ता है, 60 रुपये अपनी जेब में डालते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक कंपनीज जो होती हैं इनके लिए जनरली तो रेट 30% का होता है, लेकिन इनके लिए है ना टोटल वैसे 4 रेट हैं, मैं आपको 3 ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इनके टोटल जो है वो 4 रेट हैं, चलो तो चारों लिखवा देता हूँ। एक होता है 30%, एक होता है 25%, एक होता है 22% और एक होता है 15%। यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनीज, मतलब जो इंडिया में बनी हुई है, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया में बनी हुई है, इंडिया में जो कंपनी आपके जबान पर आए है ना, आपको जो पता है वो सब इंडियन कंपनीज है, ठीक है। अभी देखो हो सकता है कि आपके यहाँ पर हल्दीराम चलता हो या नहीं चलता हो, मुझे बताओ हल्दीराम है ना, यहाँ पर जो है ना नॉर्थ या मिडिल इंडिया में तो बहुत चलता है ना, साउथ में मेरे ख्याल से नहीं चलता है हल्दीराम्स वगैरह। तो आप जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं, आपने हल्दीराम्स का नाम सुना है? हल्दीराम्स का नाम नहीं सुना है? बालाजी, बालाजी का नाम सुना होगा, बालाजी वेफर्स, बालाजी भी नहीं चलता आपके यहाँ? मैंने जो नमकीन, नमकीन की कौन सी ये फेमस है आपके यहाँ, है ना, नमकीन, चखना, है ना, चखना वखना कहाँ से लाते हो आप, है ना, किसकी मूंग दाल खाते हो आप, है ना, मूंग दाल, सोन पपड़ी, है ना, बिकाजी, हाँ बिकाजी, बिकाजी कहाँ का, ये राजस्थान साइड का बता रहे हो क्या? बिकाजी यहाँ नहीं है, है ना, बालाजी फेमस है, हाँ महाराष्ट्र में तो बालाजी ज़्यादा चलता है, हाँ बिकाजी बोले तो राजस्थान, हल्दीराम्स तो ये है ना नागपुर, नागपुर साइड बहुत चलता है। तो ये सब बताओ कि ये बिकाजी आप बोल रहे हो है ना, यहाँ पर हल्दीराम्स वगैरह जो आप कह रहे हैं है ना, बालाजी कह रहे हैं, तो ये लिस्टेड कंपनीज है क्या, मतलब इनके भी शेयर्स हैं क्या? तो फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम्स है ना, जिन्होंने सुन के रखा है, तो हल्दीराम के भी शेयर्स हैं क्या, मैं खरीद सकता हूँ क्या? उज्जैन में भी मिलता है हल्दीराम, यस। उन्नति कह रही यस, नहीं है भाई कहाँ है शेयर्स, नहीं है ना, हल्दीराम अभी तक जो जो है लिस्टेड नहीं है,
हल्दीराम अभी तक तो लिस्टेड नहीं है ना। हल्दीराम वाले भी कैसा था कि एक ठेले पर है ना, रोड के साइड में एक ठेले पर ना ये बेचता था है ना, सेब वगैरह बेचता था बना के घर से, और आज देखो भाई एक्सपोर्ट करता है वो, है ना। चले सुनिए, तो यहाँ पर है ना अलग अलग टाइप की कंपनीज के लिए अलग अलग टैक्स के रेट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 30% नॉर्मली होता है डोमेस्टिक कंपनी जो है ना, इनके लिए नॉर्मली रेट कितना है 30% का। मतलब आप कोई भी नाम बोलो जो लिस्टेड है ना, रिलायंस बोलो आप, जोमेटो बोलो, या फिर आप टाटा मोटर्स बोलो, ठीक है, आप आइशर मोटर्स बोलो जो है ना बुलेट वगैरह बनाती है ना, आइशर मोटर्स बनाती है, देन अशोक लेलैंड के आप ट्रक्स देखते होगे है ना, अशोक लेलैंड या भारत फोर्स, ये सब जो भी आप बोलो ना, हल्दी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो ये सब कंपनीज जो हैं ठीक है, इनके लिए नॉर्मली रेट कितना है 30% का। ओके, देन 25% अभी आपके मॉड्यूल में नहीं है तो इसको ना आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए छोड़ दें। इसमें एक्चुअली कुछ कंडीशंस होती हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस आपने फुलफिल की ना तो आप 25% पर भी टैक्स पे कर सकते हो। अब 25% पर टैक्स पे करने का मतलब क्या है कि आपने 100 रुपये कमाए हैं एंड 25 रुपये आप सरकार को दे दोगे, ठीक है, 100 रुपये आपने कमाए हैं उसमें से 25 रुपये आप सरकार को दे देंगे। चलिए, है ना, अनु ने कह रहे कि साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं है कि ओके कि नहीं, सही है ना, सही है ना, ओके परफेक्ट। चलिए देखिए, तो अब 20 आपको क्या क्या दिए गए हैं, आपको ना ये दो ही रेट दिए हैं, एक 22% दिया है, एक 15% दिया है। तो ये दोनों कब आते हैं मैं आपको बता दूं, है ना, 22% कब आता है एंड 15% कब आता है। सो दिस इज ऑप्शन टू कंपनीज, दिस इज ऑप्शन टू कंपनीज, दे कैन शिफ्ट फ्रॉम 30% टू 22%, ये आप लिख लीजिए। 22% का जो रेट होता है, 22% का जो रेट होता है, दिस इज एन ऑप्शन टू द कंपनीज, दे कैन शिफ्ट फ्रॉम 30% टू 22%, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, दे कैन शिफ्ट फ्रॉम 30% टू 22% बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पर भी इनको सरकार ने बहुत सारी कंडीशन छोड़ है ना दे के रखी है, इन्होंने बोला है कि ये वाली कंडीशन फॉलो करो है ना, डेप्रिसिएशन मत लो, ये मत लो, वो मत लो, जो अकाउंट बैकग्राउंड से तो उनको डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह पता होगा, जीएसटी के पहले टैक्स कैसे देते थे हाथों से, मतलब पुराने टैक्सेस थे ना यार, है ना, सर्विस टैक्स था, कस्टम्स था, एक्साइज था, तो ये सभी टैक्स अपने पास थे, ऐसा नहीं है ना, जीएसटी आने के पहले भी अपन सर्विस टैक्स देते थे है ना, देन हम वैट देते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, हम एक्साइज ड्यूटी देते थे, तो पहले था, उन सबको हटा के हमने जीएसटी लाया, करेंगे उसके ऊपर आगे बात, एग्जीक्यूटिव में चिंता ना करो, ठीक है। देखिए, तो दे कैन शिफ्ट फ्रॉम 30% 22% बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो ये कंपनीज को कहा जाता है कि आपको डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह पेमेंट है ना आपको नहीं मिलेगा, तो आप 22% में आ सकते हो। एंड 15% ये था न्यू कंपनीज के लिए, 15% था ये था न्यू कंपनीज के लिए जो करती होगी मैन्युफैक्चरिंग, न्यू कंपनीज जो करेगी मैन्युफैक्चर, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2023, इनको इस बीच में करना है अपना काम स्टार्ट। 15% जो हमने टैक्स रेट लाया है, ठीक है, 15% जो हमने टैक्स रेट लाया है वो हमने किसके लिए लाया है, हमने लाया न्यू कंपनीज के लिए, जो न्यू कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करेगी है ना, चीजें बनाएगी इंडिया में आके चीजें बनाएगी, लेकिन कब से लेकर कब तक काम चालू करना है, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2023, इसके बीच में इनको काम चालू करना है। इसके बीच में इन्होंने आके काम चालू किया तो टैक्स रेट इनके लिए रहेगा कितना, मात्र 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 15%, ओनली 15%। तो अगर ये 100 रुपये कमा रहे हैं तो इनको इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये का टैक्स देना है, ठीक है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो ये 15% का टैक्स रेट, दूसरा क्या है ना मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा क्या नई कंपनी होनी चाहिए, चौथा वाला क्या 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2023। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए जो आपको इसमें याद रखना है। इसके बीच में आके अगर इन्होंने काम चालू किया तो इनके लिए टैक्स का रेट रहेगा मात्र कितने का, 15% का, परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, ये तो सब आपने लिख लिया, आपके मॉड्यूल में इतना ही है, मतलब इतना ही काम का है, वैसे एग्जाम के लिए इतना ही काम का है, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो 22% है और ये 15% का जो रेट है ना,
इनके ऊपर ना एक सरचार्ज होता है, ये क्या हो गया, ये ना टैक्स का रेट हो गया। अब टैक्स के रेट पर है ना एक और चीज होती है जो होती है सरचार्ज, एंड इसका डिस्कशन शायद हमने किया है। सरचार्ज मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज मतलब क्या होता है, सरचार्ज मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, और इसका रेट हमने बोल के रखा है 10% कंपलसरी। ये जो 22% और 15% वाले हैं ना, इनको ना टैक्स के ऊपर एक और टैक्स देना पड़ता है 10% का, जिसको आप कहते हैं सरचार्ज। तो अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कैसे होगा, 22 का टैक्स रेट था 22% का, उसका 10% कितना होता है, जो आपका टैक्स है ना 22% का, वो 22 का 10% इज 2.2। नहीं सुरेश ऐसा नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। 2.2, तो 22 प्लस 2.2 कितना हो गया, मतलब 22 में आप 2.2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 24.2, करेक्ट, ये आपका हो जाएगा 24.2। एंड इस पर सरकार एक और चीज लेती है, सरकार इस पर एक और चीज लेती है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरकार यहां पर आपसे क्या लेती है, एक और चीज लेती है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 24.2 का 4%, 24.2 का 4%, नहीं, ऐसे प्लस नहीं करना है, 24.2 का 4%, तो ये आता है 0.968, ठीक है, ये आता है 0.968, तो उसको ऐड करके आता है 25.168, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये 24.2 का 4% निकालते हैं, और सेस मतलब क्या होता है, सेस मतलब भी एक तरह का टैक्स ही होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पैसा किसके लिए यूज होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए यूज होगा। ये 4% का जो अमाउंट है, ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली आपके हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए यूज होगा, परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हाँ, जो 22% का टैक्स रेट है, इसमें सरचार्ज 10% का कंपलसरी है, एंड 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो तो हर किसी पर आता है, तो ये आपका टोटल आ गया सब मिलाकर 25.168। तो 25.168 को अगर मैं 25.17 लिख दूं, थोड़ा सा राउंड अप करके, तो चलेगा है ना, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यस। तो 25.168 को मैंने राउंड ऑफ करके 25.17 लिख दिया। अब ये मैं क्यों आपको मैंने सॉल्व करवाया, उसका कारण ये है कि जब हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो मॉड्यूल में आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, मॉड्यूल में आपको ये जो है आपके जो पेज नंबर है 53, तो 53 में आपको लिखा हुआ मिलेगा 25.17%। ये 25.17 इज इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेस। अभी 25.17 में ऑलरेडी सरचार्ज भी है 10% का जो आपने जोड़ा, एंड उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है, ठीक है। अब इसके अलावा ये मैट वेट आप मत पढ़ना, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अगले दो पेजेस में आपको खुद से कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना उतना ही काम का है, ठीक। सिमिलर चीज देखो ये 15% वाले में भी होती है, सिमिलर चीज ये 15% वाले में भी होती है। अब 15% का टैक्स रेट है, तो यहां पर भी सरचार्ज है 10% का, यहां पर भी कंपलसरी सरचार्ज है 10% का, तो कितना आ जाएगा, यहां पर भी कंपलसरी सरचार्ज आपका 10% का, तो यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा, सरचार्ज का अमाउंट कितना आएगा, तो ये 15 का 10%, सो दिस कम्स टू 1.5, 15 का 10%, सो दिस कम्स टू 1.5, करेक्ट। तो ये आ गया 16.5, ये आपका आ गया 16.5, प्लस इसमें आप करोगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। माना इस पर सरकार कंपलसरी ये सबसे लेती है, माना सरकार ये सबसे लेती है, जो जो टैक्स देता है उस उसको देना पड़ता है 4% का, तो ये आएगा 0.66, तो ऐड करके आता है 17.16, करेक्ट, ऐड करके आपका आता है 17.16। तो इतना आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा टोटल, ठीक है। तो 22% वाले को ऐड कर करके हम 25.17 में लेके जाते हैं, एंड 15 पे ऐड कर करके हम 17.16 में लेके जाते हैं, परफेक्ट। तो ये जो 22% और 15% वाला है ना, ये अमेंडमेंट आया था, मतलब ये चेंज हुआ था, ठीक है। 22% एंड 15% वाला जो है ये क्या हुआ था, ये ना चेंज हुआ था, ठीक है। तो नया नया पॉइंट इसलिए आपको यहाँ पर मॉड्यूल में दिया गया था।
परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया? चलिए, तो इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के सैम्पल क्वेश्चंस आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन बहुत पुराने तो ऐसे है ना आते नहीं है, बट एक बार अंदाजे के लिए आप इसको रीड कर लेना। लास्ट में सैम्पल क्वेश्चन आपको दिए गए पेज नंबर 55 में, करेक्ट? तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है? और आपको जो है इसमें आंसर भी दिए गए, और इसी के साथ आपका चैप्टर होगा समाप्त, ठीक है? छोटा सा था, इजी था, आई थिंक 3 या 4 ही लेक्चर लगे थे इसमें, लगे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे। आपका थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर भी छोटा ही है, तीन चार सेशन वाला है, फर्स्ट वाला चैप्टर बड़ा है। ओके चलिए, तो गाइज आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। सैम्पल पेपर सेंड करवा देंगे, है ना, जो पास्ट एग्जाम पेपर से सेंड करवा देंगे, चिंता ना करो। चलिए तो गाइज हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, है ना। शायरी अभी अच्छी वाली जो है मेरे पिटारे में नहीं है, देखनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा और वक्त चला जाएगा, और सीए फाउंडेशन का भी लेक्चर स्टार्ट करना है एक्चुअली। चलिए तो हम आज के लिए रुकते हैं, है ना। हम मुलाकात करेंगे अब कब, है ना, नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? अभी एक दो दिन जो है मैं सीएस एग्जीक्यूटिव वालों को थोड़ा सा करवाना है, ठीक है? मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट मंडे तक, तो आप ये एक बार पढ़ के रखना बीच में ना, सैटरडे संडे बाद में पढ़ लेना, एंड छोटा ही सिलेबस है अपना, फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है? चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। मुलाकात करेंगे यस मंडे को, चलिए बाय।